देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए हैं। पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों की चिंता की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से बाहर आकर के अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं, वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं। और जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी बैठता था, आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो पहले खुद मजदूरी करता था, आज एकाध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। अपनारा देखें बर्तमान समय.com।